दोस्तों बात करें एप्पल और गूगल दोनों दुश्मन है लेकिन दोनों हाथ मिलाने वाले। कहने का मतलब ये कि आप लोगों को मालूम है कि गूगल ने अपनी जेमिनी एआई यहाँ पे क्रिएट करी थी लेकिन एप्पल देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा है एआई की फील्ड में उतरने का। काफी सारी कंपनीज के साथ बातें चल रही थी लेकिन अब जाके खबर आती है कि यहाँ पे एप्पल जो है वो गूगल के साथ हाथ मिलाएगा और डेफिनेटली जो एआई होती है वो अब आपको एप्पल के डिवाइसेस पर भी देखने को मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो अनाउंसमेंट है वो हो सकता है 10 जून को, जिस दिन वो अपनी WWDC ऑर्गेनाइज करेंगे और उस दिन फाइनली जो एप्पल है वो अपने आईफोन्स के अंदर जो एआई आने वाली है, जो हो सकता है iOS 18 का पार्ट हो, और कहा तो ये भी जा रहा है जो आईफोन 16 होगा उसका सबसे बड़ा फीचर होगा इसके अंदर। यहाँ पर बात करें तो आपको एआई पावर जितने भी फीचर्स जो गूगल ने यहाँ पे क्रिएट करे थे वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में सैमसंग ने भी गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जनरेटिव एआई के फीचर्स निकाले थे, जिसके अंदर वन ऑफ द कोर फीचर था सर्कल टू सर्च, जो सैमसंग ने शोकेस किया, गूगल पिक्सल में भी आ गया। और तो और अब तो कहा जा रहा है जो सर्कल टू सर्च वाला फीचर है ये दूसरे फोन्स में भी आएगा और तो और ये एंड्रॉइड का पार्ट होगा। कहने का मतलब है कि एंड्रॉइड की कुछ चीजें उठ उठ के अब iOS के अंदर भी जा रही है। वेल, यही चीज यहाँ पे चल रही है लेकिन एक देखने वाली बात है कि एप्पल इसको किस तेजी से इंप्लीमेंट करती, क्योंकि आज के समय में कहा जाए तो एप्पल के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी AI है। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि एप्पल यहाँ पे बात कर रही थी AI की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ओपन AI के साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बात चली लेकिन यहाँ पे गूगल ने बाजी मार ली। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, सिर्फ गूगल ही इकलौती कंपनी नहीं है जिसके साथ ये लोग यहाँ पे काम करेंगे, इसके साथ एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है बायडू, उसकी AI को भी प्रोवाइड करेंगे। देखो सिंपल सा मतलब मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। चाइना के अंदर गूगल बैन है लेकिन चाइना के अंदर एप्पल का आईफोन तो बिकता है। अगर आईफोन के अंदर गूगल की AI डाल दी तो चाइना के अंदर कैसे चलेगी? इसलिए गूगल का जो अल्टरनेटिव है चाइनीज वो है बायडू, उसको यूज करेंगे एज अ बैकएंड जो आपको चाइनीज आईफोन में देखने को मिलेगा। तो चाइना के लिए स्पेशल AI यूज करेंगे जो चाइना के लोगों ने वहां पे बनाई है। वेल, यही चीज चल रही है। इवन एप्पल से पहले ये सेम चीज सैमसंग ने करी है, S24 अल्ट्रा याद है ना, उसके अंदर भी तो AI फीचर्स थे लेकिन चाइना के अंदर गूगल बैन है, इसी वजह से सैमसंग ने वहां पर भी बायडू के साथ पार्टनरशिप करके सेम फीचर्स को उतारा लेकिन वहां पे बैक एंड में जो चीज काम करती है वो बायडू के सर्वर है। वेल, कुछ ऐसे हिसाब से चीजें चल रही है। लेकिन बात करी जाए तो सिर्फ एप्पल रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं होने वाली, 10 जून से पहले 14th में आएगा, लगभग एक महीने पहले उस दिन गूगल अपना आयो करने वाली है जिसके अंदर गूगल यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के बारे में बताएगी और एंड्रॉइड 15 के लिए भी सबसे बड़ा फीचर AI होगा। इसके साथ ही अपनी जेमिनी AI के बारे में और अपडेट्स देगी, इसको पहले से ज्यादा पावरफुल बनाएगी। इवन हार्डवेयर के अंदर सुनने में आया कि गूगल अपना पिक्सल 8a को भी यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। अभी 14th मई को होगी और देखा जाए तो काफी सारी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से जेमिनी AI को इंटीग्रेट किया जाता है। एक चीज तो ये हम बात मान सकते हैं कि एंड्रॉइड 15 का वन ऑफ द कोर फीचर होगा और गूगल ने अभी तक जितनी भी AI बनाई थी ना उनको डीपली इंटीग्रेट किया जाएगा अपने एंड्रॉइड 15 के अंदर। इवन पिक्सल 8a का भी कोर पार्ट होगा और ऐसे गूगल ने अपनी जेमिनी नैनो क्रिएट करी थी। जेमिनी नैनो वो चीज है जिसे आप मोबाइल फोन के अंदर डायरेक्टली चला सकते हो, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जो हार्डवेयर है वो कंपैटिबल होना चाहिए, जो चिप के अंदर जो फंक्शनलिटी होती है वो होनी चाहिए, उस चीज को गूगल यहाँ पे ज्यादा प्रमोट करेगा। और अपकमिंग जो गूगल के पिक्सल फोन्स आएंगे उनके अंदर भी AI का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 2024 सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद से जितने भी फोन आएंगे सबके अंदर AI आती चली जाएगी। पहले महंगे फोन में आएगी फिर सस्ते फोन में आएगी और ये AI के फीचर्स बढ़ते चले जाएंगे, आने वाले समय में और इंक्रीज होंगे, जब इसके अंदर अपडेट्स आएंगे तब चीजें यहाँ पे और ज्यादा बेटर होती चली जाएंगी। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे गूगल के पिक्सल 9 रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब पिक्सल 9 के रेंडर्स यहाँ पे सामने आ गए, सरप्राइजिंग बात है कि इस बार आपको 3 गूगल के पिक्सल 9 मिल रहे हैं, यानी कि गूगल पिक्सल 9, 9 प्रो और 9 XL। देखो इस बार पहली बार गूगल अपने एक XL वाला वर्जन निकाल रही है और 3 डायरेक्शन में जा रही है, पिछले साल फोल्ड उन्होंने निकाला था। कहने की बात इधर सिंपल सी है कि जो गूगल है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसने जब से अपनी पिक्सल लाइनअप शुरू करी है ना तो शुरुआत में तो नॉर्मल फोन बनाए फिर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें करते चलेगा। अब गूगल को पता है कोई भी नई चीज करेंगे वो चल भी सकती है फ्लॉप भी हो सकती है लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। और एक्सपेरिमेंट में एक चीज यही रहती है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब आपके पास रिस्क ज्यादा रहता है ना तो फेलियर के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए बीच में काफी टाइम ऐसा था जब पिक्सल सीरीज नहीं चली लेकिन अभी भी यहाँ पे जो
गूगल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते। पिक्सल 1 आया था, उसके अंदर वो नॉर्मल फोन बनाया, पिक्सल 2 में सिंगल कैमरा से पोर्ट्रेट मोड लेकर आए, जहां पे दूसरी कंपनीज दो कैमरा का यूज कर रही थी वो एक रिस्क उन्होंने लिया। पिक्सल 3 के अंदर बड़ा सा नॉच लेकर आ गए, पिक्सल 4 के अंदर बड़ा सा फोरहेड लेकर आ गए जिसके अंदर सोली रेडार चिप थी, पिक्सल 6 के अंदर अपनी टेंसर चिप को लेकर आ गए, पिक्सल 7 के साथ इन्होंने यहाँ पे पिक्सल फोल्ड को निकाला पहली बार गूगल की तरफ से। इस बार तीन अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हो, तीन अलग अलग स्क्रीन साइजेस के फोन यहाँ पे बना रहे हैं। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं गूगल कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। कई बार बड़े स्टेप लेती, कई बार थोड़े छोटे स्टेप लेती, लेकिन हर बार अपने आप को थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से चीजें कई बार वर्कआउट करती, कई बार चीजें वर्कआउट नहीं करती, लेकिन वो ये देख रहे हैं, अभी भी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा सीक्रेट सॉस है जो अभी हमें मिल जाए, जो यहाँ पे एग्जैक्टली में हम क्रैक कर पाए। यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ बात कर सकता हूँ कि गूगल का फ्यूचर पिक्सल के अंदर काफी ब्राइट है, और इवन इस साल जो गूगल है वो पिक्सल सीरीज को इंडिया में बनाएगा और उसके कुछ बेनिफिट होंगे। पहली चीज, उम्मीद करते हैं कि गूगल पिक्सल की कीमत इंडिया में कम हो। अगला बेनिफिट होगा कि पिक्सल के कंपोनेंट्स इंडिया में मिलेंगे, जिस कारण से आफ्टर सेल सर्विस जो पिक्सल की अभी इतनी अच्छी नहीं है वो थोड़ी इंप्रूव हो, प्लस जो अगर आप बाहर में कहीं रिपेयर करवाना चाहते हो इजिली रिपेयर हो जाए। अगली चीज, इंडिया में पिक्सल की टेस्टिंग हो, जहां पे नेटवर्क रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो यहां पे सॉल्व हो, और यहां पे चिप के अंदर जो थोड़ी गर्मी निकलती है अगर इसको थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल कर दे तो काफी कमाल की चीज है। बस यार यही कुछ चीजें जो धीरे धीरे गूगल पिक्सल अगर क्रैक कर ले तो एक काफी स्ट्रांग प्लेयर यहाँ पे बन सकता है। लग रहा है कि गूगल का एक फोकस है पिक्सल के ऊपर, लेकिन इतना बड़ा फोकस नहीं है, एआई के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। पिक्सल को लग रहा है कि साइड में चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, चल रही है, जब तक चल रही है तब तक देखेंगे। इसके साथ ही देखा तो Xiaomi ने SU7 नाम की कार चाइना मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी, और देखा तो चाइनीज मार्केट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा सही कार है, क्योंकि 25 लाख रुपए कीमत है और इसके टॉप एंड वेरिएंट 800 किलोमीटर की रेंज निकाल सकता है। इसके अंदर आपको टच स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पर आपको एडास देखने को मिलेगा, सेल्फ ड्राइविंग के फीचर्स देखने को मिलेंगे, और पूरी की पूरी टेस्ला इन्होंने सस्ते में क्रिएट कर दी। यानी कि यार Xiaomi को क्या कहा जाता था, एप्पल ऑफ चाइना। एप्पल ने आईफोन में महंगी चीज निकाली, वही चीज उसके आधे से कम रेट के अंदर Xiaomi लेकर आता था। सेम चीज कार के साथ भी कर रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में उन्होंने ऐसी कार बना दी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि पहली बात, ये कार पूरी तरह से स्पोर्ट्स कार तरीके से बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग दिखा दी उन्होंने, गीगा फैक्ट्री दिखा दी, सब दिखा दिया, यहां तक कि इस कार को प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी सारी टेक्नोलॉजीज को दिखा के, इवन हाइपर ओएस पर रन करेगी। लेकिन एक खास बात यह कि ये जो कार है जब ये मार्केट के अंदर आएगी तब इसको हो सकता है लोग पसंद वगैरह भी करें, लेकिन ये कार कभी भी चाइनीज मार्केट के आगे नहीं जाएगी। इवन चाइना के अंदर टेस्ला जैसी कार बहुत पॉपुलर है, और टेस्ला से भी ज्यादा पॉपुलर वहां पर BYD कंपनी है। तो देखा जाए तो वहां पर वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, और कैसे एक स्मार्टफोन कंपनी से टेक कंपनी, उसके बाद एक पूरी की पूरी ऑटोमोटिव कंपनी बन गए। यार ये देखने वाली बात है, और देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर ईवी बिजनेस में। और एक बात सुन के रखिए आप कि मान लो अगर Xiaomi क्रैक कर लेता है ईवी बिजनेस चाइनीज मार्केट के अंदर, फिर देखने वाली बात हो कि इस बिजनेस को वो दूसरी जगह कैसे रेप्लिकेट करता है। हालांकि इंडिया में चाइनीज एंटिटीज का कार्स के रूप में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इलेक्ट्रिक कार्स देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइनीज मार्केट के अंदर अच्छी कार है, कुछ टाइम इंतजार कीजिए इंडियन रोड्स पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, देखते हैं तब क्या रहता है। तो दोस्तों यार ये थी पीछे की पूरी कहानी, इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू, यहाँ बने रहने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।